हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। मेरा नाम गीता और आप देख रहे हैं टेक्निकल गीता यूट्यूब चैनल। आज बात करने वाले हैं गूगल कैलेंडर के बारे में कि इसको आप कैसे यूज़ कर सकते हैं। किसी का बर्थडे याद रखना हो या कोई इवेंट आपको याद रखना, कोई बात आपको याद रखनी हो, आपको इसको कैसे रिमाइंड पे लगाना है कि आपको वो बात याद रहे। और बहुत सारी चीज़ें आपको यहाँ पर सीखने को मिल जाती है। और याद रखने के लिए आपको उसमें आप टाइम सेट कर सकते हो, डेट सेट कर सकते हो। अगर कोई भी चीज़ आपको याद रखनी है, मोस्टली हम लोग बहुत सारी बातें भूल जाते हैं, बट अगर सही टाइम पे हमारा जो मोबाइल है हमें बता दे कि आज ये चीज़ है, ये खास दिन है, तो हम लोग कभी नहीं भूलते। तो आई होप कि इस वीडियो में आपको बहुत मज़ा आने वाला है, क्योंकि बहुत सारी चीज़ें आपके काम की हैं इस वीडियो में जो कि आप भूल जाते हो, बट इसके बाद आप कभी नहीं भूलोगे। तो अब चलते हैं फ़ोन की स्क्रीन पर। उससे पहले, अगर पहली बार मेरे चैनल पर आया तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर दो, वीडियो को लाइक कर दो। और अब चलते हैं फ़ोन की स्क्रीन पर। जैसे कि फ्रेंड, अब हम लोग फ़ोन स्क्रीन पर आ गए। यहाँ बताऊँगा कि गूगल कैलेंडर को आप कैसे यूज़ कर सकते हो। तो उसके लिए सबसे पहले प्ले स्टोर को ओपन करते हैं। ओपन करने के बाद सर्चिंग बार में लिखते हैं गूगल कैलेंडर। इसको लिखने के बाद अब सर्च करते हैं इसको, और यहाँ पे आपको इसको इंस्टॉल करना है। आप इसकी रेटिंग भी दे सकते हो और डाउनलोडिंग भी बहुत ज़्यादा है। तो अब इसको हम इंस्टॉल करते हैं। इंस्टॉल होने में थोड़ा सा टाइम लगेगा, तो ये इंस्टॉल हो चुका है। इंस्टॉल होने के बाद हम इसको ओपन करते हैं। ओपन करने के बाद थोड़ा स्कैनिंग में टाइम लगेगा। अब इसको हम ओपन करते हैं। अब इसको नेक्स्ट करना है, फिर नेक्स्ट करना है। अब गॉट इट पे आपको क्लिक करना है। इस तरह इसको सिलेक्ट करने के बाद आप इसको अलाउ करना है। उसके बाद कुछ ऐसा इंटरफेस आएगा। तो सबसे ऊपर आप देख सकते हो तीन लाइन है, वहाँ पे आपको क्लिक करना है। और यहाँ पे आपको मंथ सेलेक्ट करना है, आप कुछ भी सिलेक्ट कर सकते हो, डे वगैरह कुछ भी। तो यहाँ पे आपको प्लस के निशान पे क्लिक करना है, और यहाँ पे रिमाइंडर पे आपको क्लिक करना है, और यहाँ पे आपको फिल करना है जो जिसको आप याद रखना चाहते हो, रिमाइंड करना चाहते हो। तो मैं यहाँ पे बर्थडे के बारे में लिख देती हूँ। अगर हमें किसी का बर्थडे याद रखना है तो गूगल कैलेंडर में इस तरह आप लिख कर यूज़ कर सकते हो। तो यहाँ पे मैंने अब डेट सेलेक्ट कर लेती हूँ, जैसे कि मैं 24 सेलेक्ट कर लेती हूँ। आप नेक्स्ट मंथ भी कर सकते हो, जो मंथ आपको सेलेक्ट करना हो, ऐसे नेक्स्ट करके डेट, उसके बाद ओके करने के बाद आपको यहाँ पे सेव करना है। सेव करने के बाद आप देख सकते हैं कि 24 तारीख को यहाँ पे ये सिलेक्ट हो चुका है, और ये आपको याद दिला देगा, आपको रिंगटोन बजेगी। उसके बाद अब नेक्स्ट एक बार और आपको कोई डिफरेंट चीज़ सेलेक्ट करनी है यहाँ, जैसे कि पार्टी, कोई पार्टी में जाना है, आप कुछ भी लिख सकते हो। अगर आपको वो सेलेक्ट करना है, तो मैंने डेट सेलेक्ट कर ली। उसके बाद हम लोग टाइम भी सिलेक्ट कर सकते हैं इससे, कि किस टाइम आपको मीटिंग में जाना है या पार्टी में जाना है। तो इस तरह आप टाइम भी सिलेक्ट कर सकते हो। तो मैंने टाइम भी सिलेक्ट कर लिया है। तो यहाँ पर आप देख सकते हो कि पार्टी का भी बन चुका है, और बहुत सारी चीज़ें आपको और भी यहाँ पे देखने को मिल जाती हैं, जैसे कि बहुत सारे फेस्टिवल होते हैं, वो सारे आपको यहाँ पे नोटिफिकेशन मिल जाते हैं। अगर आप इन चीज़ों को डिलीट करना चाहते हो, तो आपको वहाँ पे क्लिक करने के बाद, जैसे पार्टी पे क्लिक किया था मैंने, अब यहाँ पे आपको सबसे ऊपर तीन डॉट मिलते हैं, वहाँ पर आपको सेलेक्ट करना, फिर तीन डॉट पर सेलेक्ट करना और डिलीट कर सकते हो आप इस तरह। तो इस तरह आप गूगल कैलेंडर को यूज़ कर सकते हो। तो आई होप कि आपको ये वीडियो अच्छी लगी होगी। तो प्लीज़ जाने से पहले वीडियो को लाइक, शेयर, कमेंट और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। थैंक यू।